हेलो भाई, तो कैसे हैं आप लोग? तो आज जो जॉब अपडेट हम यहाँ से देने वाला हूँ गाइस, काफी इंपॉर्टेंट और काफी शानदार रहने वाली है। और गाइस, अगर आप अपना करियर चैप महिंद्रा बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके पास रहने वाली है। और करेंटली इसमें काफी बल्क आयरन चल रही है फॉर वॉइस पर्सन गाइस। फ्रेंडली अगर आप दिल्ली या नोएडा में या कहीं पर वर्किंग भी है, शिफ्ट भी करना चाहते हैं या शिफ्ट भी होना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ये अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। क्योंकि करंटली इसमें काफी बल्क आयरिंग चल रही है, 2000 प्लस इसमें वैकेंसी चल रही है। तो गाइस, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है और अपना करियर टेक महिंद्रा फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू को पूरा तक देखें, तभी आपके जो सारा क्राइटेरिया पे समझ में आने वाला है। मैं टोटली इसमें कवर करने वाला हूँ कैसे यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, और मैं टोटली इसमें HR का मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको जो प्रोवाइड करने वाला हूँ गाइस। तो गाइस, करंटली टेक महिंद्रा जिस प्रोसेस की हायरिंग कर रहा है, मैं आपको जो पूरी डिटेल यहाँ पे शेयर कर देता हूँ भाई। तो गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड है और अगर आप जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने का लिंक मैंने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। तो जैसे ही आप उस लिंक ओपन करेंगे, आपको एक्सेस होने वाला है कि टेक महिंद्रा जॉब कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव टेक महिंद्रा। बेसिकली इसमें जो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का इतनी कैंडिडेट हमें नीड है। और गाइस, इसमें ऑलरेडी वैसे नहीं कि फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई। मतलब कहीं थे आप एक्सपीरियंस हैं या फ्रेशर है, तो दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फ्रेशर के लिए यहाँ पर सैलरी यहाँ पर आपको नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एज एक्सपीरियंस यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर नेगोशिएट कर सकते हैं जो भी आपकी प्रीमियर वहाँ पर सैलरी रहती है गाइस। तो गाइस, नीचे आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है। और इसमें ऑलरेडी मैंने कि 0 to 5 ईयर होता है, यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी 2000 इसमें वैकेंसीज है। और जो आपके सैलरी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाती है, ये 2.5 लाख से लेकर 375,000 पर एनम आपकी जो सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। मतलब 30,000 आपको सैलरी देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी गई तरह आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो हमने कहते हैं आपके पास अच्छा है, तो आप जॉब को डेफिनेटली अप्लाई कर लीजिए या आपको सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और गाइस, जॉब लोकेशन बेसिकली आपकी नोएडा होने वाली है। और गाइस, इसको ऑलरेडी मैं कहेंगे टाइम एंड वेन्यू, अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसको ऑलरेडी वॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। 28th of June से लेकर यहाँ पे 7th of July तक यहाँ पर डेट पे इंटरव्यू चलने वाले हैं। वॉक इंटरव्यू आप जा सकते हैं, कोई भी आपको जो है यहाँ पर रेफरेंस यहाँ पर अपने इंटरव्यू सिक्योर कराने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही वॉक इंटरव्यू ले जा सकते हैं। और गाइस, बात करें कि इसमें अटेंडेंस टाइम इसमें ऑलरेडी वैसे 9:30 से लेकर 3:30 तक आप कहीं जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। और गाइस, बात करें कि इसकी लोकेशन की, इसमें एड्रेस ऑलरेडी मैंने कहा कि A6A7 Sector 64 नोएडा 201301। बेसिकली इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होने वाला है, वो होने वाला है नोएडा Sector 62। ये इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। और गाइस, अगर आप लोगों को इशू है, तो डाउट है, अपना इंटरव्यू आप सिग्नल कराना चाहते हैं या हायरिंग चलने के लिए कन्फर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आप मेंशन है चार्ज का मिस्टर स्वामी घोष के यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी मेंशन है कि 7838204667 पर आप डायरेक्ट उनको जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका इशू है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। और गाइस, ऑलरेडी मेंशन है कि अर्जेंट ओपनिंग इन टेक महिंद्रा फॉर कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव डैश वॉक इन इंटरव्यू भी आपको जाना है। इसको गाइस, एड्रेस की बात करें, मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया, नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन हो गया इसका नोएडा Sector 62। होप तो वेलकम फॉर रीजनल कैंडिडेट। मतलब अगर आपको तमिल कन्नड़ तो लैंग्वेज अगर आप वहाँ से ग्रो करते हैं, अगर आपने अपने रिगोवर लैंग्वेज से आप जॉब करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली। इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि मोस्ट वेलकम फॉर रीजनल कैंडिडेट। इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, मराठी, उर्दू, असम, बंगाली, कन्नड़, मतलब जो भी आपकी लैंग्वेज है जिसमें आप कम्फर्टेबल है, तो आप अपनी रिव्यू लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही जॉब ले सकते हैं राइट। और गाइस, इस ऑर्डर में कि नंबर ऑफ ओपनिंग 2000 प्लस वैकेंसी है, फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई। और गाइस, बात करें कि इसमें अंडर ग्रेजुएट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप कहीं से ग्रेजुएट कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट हैं, तो आप जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, इस ऑर्डर में है कि ऑल प्रोसेस आर अवेलेबल फॉर वॉइस एंड चैट ब्लेंडेड इन योर प्रोसेस। मतलब आपको वॉइस प्रोसेस भी हो सकता है, चैट प्रोसेस भी हो सकता है, मेल प्रोसेस, मतलब ब्लेंडेड प्रोसेस की यहाँ पर हायरिंग चल रही है। कोई भी आपको प्रोसेस यहाँ पर दे सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका तो प्रोफाइल में ज़्यादा वैकेंसी है और कैसा आपका स्किल्स है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है सारी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी और कौन सा प्रोसेस आपको दिया जाएगा, वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और गाइस, ऑलरेडी मैंने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मल्टी वाई यहाँ मेंशन कर रखे हैं, 9315054101 पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप ऑलरेडी 3 यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपके लोगों को इस वक्त डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट कीजिए विदाउट एनी हैनी डिफरेंट बेस, चाहे डायरेक्ट जब तक आप क्लियरिफिकेशन नहीं करेंगे माइंड में, तब तक आपको जो है 100% आप जो अपना इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। तो गाइस, जब अगर आपके लोगों को डाउट है, तो आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। और डायरेक्टली वॉक करें कॉन्टैक्ट करता हूँ हरिका, सुमी, जैकलिन, तो इन तीनों का आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके इंटरव्यू से जो कराने के लिए आपको जो है पूरी हेल्प कराने वाली है। और ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। वो डायरेक्ट अगर आप रहते हैं, आप अंडर ग्रेजुएट हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कम्प्लीट नहीं हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एज ए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी बल्क वैसे हायरिंग चल रही है। तो गाइस, यहाँ पर 7th of July तक यहाँ पर डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो गाइस, मैं रिकमेंड करूँगा आप उससे पहले पहले एज सुन एज पॉसिबल जितनी जल्दी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू के लिए चले जाइए, मैं आपको एक जॉब भी नहीं दे।
अगर यहाँ पर आप लेट करेंगे तो हायरिंग के चांसेस आपके काफी कम हो जाते हैं। तो गाइस जितने जल्दी आप जाएंगे उतने जल्दी आपका सिलेक्ट हो जाओगे। तो फाइनली गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोकी अपैक का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया। फिर भी आपको अगर कोई इशू है, कोई डाउट है, तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अभी तक हम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। तो थैंक यू।